डियर फैंस एंड फॉलोअर्स, वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने जो है वॉलपेपर पे पढ़ा होगा कि आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कैसे करें। जैसे कि हम लोग कोई अभी ईडा के अंदर में या ग्रेटर नोएडा में या नोएडा में कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे कि लॉन्च होने वाली है तो उसके अंदर में हमें बिड करना होता है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा, इसमें मैंने बताया था आपको कि ईडा के सेक्टर 22 डी के अंदर में जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली हुई है और मैं अभी थोड़े दिन बाद वहां जाऊंगा भी लॉकडाउन खुलने के बाद में। तो मेरे पास में काफी सारे कमेंट आए थे कि हम लोग इसकी प्रॉपर्टी की जो बिड करें वो किस रेट पे करें। तो देखिए, वहां पर क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू तो जो है अथॉरिटी देती है खुद से, उसके ऊपर जो है आपने बिड करना होता है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उसमें जो है बिड कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, इसके 3-4 मेथड होते हैं प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसके कैलकुलेशन करने के। तो सबसे पहला जो मेथड है मैं आपको बताने वाला हूँ वो आता है मार्केट वैल्यू के ऊपर में। देखिए, जैसे मैंने सबको जो है जिन भी लोगों ने मेरे से कमेंट में पूछा था तो मैंने उनको जो है वहां पर जवाब दिया था, उसी चीज को मैं जो है यहाँ पर आज आपके साथ में सबके साथ में जो है शेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी जो है नॉलेज में इजाफा हो सके और जो है हम भी इससे कुछ वापस कुछ गेन कर सकें। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपके कोई फर्दर कुछ मैं भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं ताकि मैं भी अपनी नॉलेज को जो है इम्प्रूव कर सकूँ। तो देखिए, सबसे पहला होता है मार्केट वैल्यू पे। तो मैंने कमेंट में लोगों को बताया था कि देखिए, जहाँ पे भी आप रहते हैं, कहीं पे भी XYZ जो भी जगह पे आप रहते हैं, वहां पर प्रॉपर्टी का क्या रेट है कमर्शियल का। देखिए, हमेशा जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है वो रेजिडेंशियल से थोड़ी सी महंगी होती है क्योंकि उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। एक बेसिकली कमर्शियल इसीलिए उसको कहा जाता है। तो देखिए, वहां पर जितनी भी वैल्यू होगी उसकी, उसके अनुसार ही जो है जहां पर आपको जो है अभी कमर्शियल प्लॉट्स जहां पे निकले हुए हैं वहां पे कितनी वैल्यू होगी इसका आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना है। इसको अंदाजा कैसे निकलेगा, 2-3 चीजें होती हैं। या तो आप वहां पे जाइए, आसपास के इलाके में देखिए कि रेजिडेंशियल के क्या रेट हैं और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के क्या रेट और कोई दे रहा है, ठीक है। एक होता है सर्कल रेट के हिसाब से होता है, उससे भी आप थोड़ा सा जो है अंदाजा लगा सकते हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा वो कमर्शियल प्रॉपर्टी जो होती है, ठीक है। ये आपके तरीके हो सकते हैं। या कौन सा तरीका हो सकता है, आप इंटरनेट पे जाएंगे और वहां पर उस इलाके में जो उसका जो इलाका है उसके आसपास के इलाकों में देखेंगे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी का क्या रेट है, ठीक है। आप उसके हिसाब से जो है एक आप पेपर ले लीजिए, उस पर लिख लीजिए कि भाई हमने मोटा मोटी ये लगाया हिसाब कि यहाँ पर इस ए प्रॉपर्टी का जो है वैल्यू 100 से लेकर के लोग 120 तक बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेता हूँ यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे उसमें जो है ना, क्योंकि वो वैल्यू जो है आपको मार्केट से मिली है तो आप जो है हमेशा उसको कम पे लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो जो 100 से 120 की वैल्यू है आप उसको 115 मान के चलिए। मैं ये कहता हूँ आपसे कि जो 5-10% का जो है आप उसमें डिस्काउंट लेके चलें, आप उसमें मतलब कम करके चलें, ठीक है। तो जो वैल्यू आपकी निकल के आती है वो आपकी जो है मार्केट वैल्यू आपके हिसाब से बेस्ट हो जाती है। सपोज कीजिए आपको जो है बिड मिल जाती है, आपका जो है नाम आ जाता है, तो आपको कोई नुकसान उसमें नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आ जाती है, तीसरी चीज ये है कि वो जो लोकेशन है उस कमर्शियल प्रॉपर्टी का वो कहाँ पे है। देखिए, क्या होता है जो ग्राउंड फ्लोर के जो शॉप्स वगैरह होती हैं, ऑफिस होते हैं, वो थोड़े से महंगे होते हैं क्योंकि उसमें आपको लैंड मिल जाता है और आपको जो है कस्टमर एक्सेस ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप बिल्डिंग में ऊपर जाएंगे जो शॉप्स वगैरह होती हैं वहां पर कस्टमर एक बार जाने को जो है हिचकिचाता है। इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वहां पर थोड़ा सा ये फैक्टर माना जाता है। उसके सामने ग्रीनरी कितनी है शॉप के, या और ऐसी कोई चीज है जो उसमें प्रीमियम ऐड कर सकती है, वो चीज आपने उसमें देख लेनी है, वो आपने ऐड करना है। वो भी आप जो है 5-10% के आसपास जो वैल्यू आपकी डिस्काउंट करने के बाद में निकली है, अगर कोई ऐसी चीज आपको वहां पे नजर आती है तो वो आप उसको ऐड कर लेंगे। तो जो फाइनल वैल्यू आती है वो मैं कहता हूं कि उस एरिया की आपकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से लग जाती है। सपोज कीजिए वो 115 निकलती है, यानी कि 100 से 120 के बीच में आपने देखी थी वैल्यू, आपको डिस्काउंट करके प्लस प्रीमियम एड ऑन करके उसमें जो है आपकी वैल्यू 115 रुपए आ जाती है। मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आप इसको बड़ी कैलकुलेशन नहीं करते हैं। यहाँ पे 115 आ गई, इसको हम साइड में रख लेते हैं। ऐसे ही एक दूसरा मेथड होता है जो कि मेरा भी बहुत फेवरेट है और वो जो है बहुत कारगर सिद्ध होता है क्योंकि हम सबको क्या है रिटर्न चाहिए होता है अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे। तो देखिए, कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे हमेशा और रेजिडेंशियल पे भी दोनों पे जो है अलग अलग तरीके के अप्रिसिएशन मिलते हैं, लेकिन जो कमर्शियल वाली होती है उस पे तो खास तौर से आपको जो है रेंट का जो है
अप्रिसिएशन मिलता ही मिलता है। तो देखिए रेजिडेंशियल में मिलता है रेंट का प्लस लैंड का, लेकिन यहाँ पे तो मिलना ही मिलना है क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे देना ही देना है, या तो खुद ले लीजिए उसको या फिर किसी और को देना होगा। तो पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूँ एज पर स्टैंडर्ड रेट, तो देखिए 5-10% या 12% तक जो है उसका रिटर्न आता है रेंट का, इससे कम में जो है वो वैल्यू नहीं देती है। प्लस आपका जो लैंड का जो अप्रिसिएशन होता है डे बाय डे ईयर टू ईयर वो इसमें ऐड होता है। तो अगर मैं सालाना बात करूं किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, मान लीजिए वही ए प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, तो वहां पर जो वैल्यू आएगी मेरे जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की है, जो मैंने इन्वेस्ट किया है वहां पर, वो मैं मान के चलता हूं कि 10-15% के बीच में जो है मेरे को वो जो है रिजल्ट दे देगी, ऊपर ही देती है कम नहीं देगी, मैं मिनिमम मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या होगा, मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ रेंट। तो क्या होगा कि मैं सपोज कीजिए किसी एक प्रॉपर्टी का, वहां पर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके एडजेसेंट में, उसका जो है रेंट मैं पता कर लूंगा वहां के दुकानदारों से या जो भी वहां के मालिक हैं कि भाई मोटा मोटी यहाँ पे कितना रेंट आप जो है सालाना ले लेते हो या निकल जाता है यहाँ से। तो जैसे ही वो आपके पास में डाटा आता है तो आपने क्या करना है, उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है यानी कि जो रेंट आता है सालाना, वो डिवाइडेड बाय जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है आप जो लगा रहे हो, उससे आपने एक फैक्टर निकाल लेना है। वो फैक्टर बेसिकली 7-8% के आसपास आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी मोटा मोटी कैलकुलेशन बताऊं ज्यादा पछड़े में ना पड़ के, तो आप जो है क्या करें, एनुअल आपके पास में रेंट आ गया इनटू आपने जो है 10 से लेकर 15 तक उसको जो है मल्टीप्लाई कर लेना है किसी भी एक नंबर से, 15 से ज्यादा आपने उसको जो है मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, एनुअल रेंट जो होता है वो आपका उस पर्टिकुलर एरिया का जो कि आपको अर्न हो सकता है आने वाले टाइम में, ये चीज आपने ध्यान रख लेनी है। यहाँ पे आपने वही उसमें लगाना है जो वहां पे मिल रहा होगा, क्योंकि आपने उससे ज्यादा ही वहां पे रेंट पे देनी होगी वो अपनी शॉप जो है, प्लस इनटू जो है 15 मैक्सिमम आप लेके चले उसको, उससे ज्यादा ना लें, कम लेंगे तो बेहतर है, आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी कम ही आएगी। तो मैं मैक्सिमम मान रहा हूँ कि उससे आपने ऊपर नहीं जाना है। तो एनुअल रेंट इनटू 15 जो वैल्यू आई आपकी, वो तकरीबन आपका 115 के आसपास ही आएगी, या 114 या 112 ऐसे कुछ आएगी, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है आपको कि जो मैंने जो मार्केट वैल्यू जो निकाली थी प्लस जो मैंने ये निकाली है अभी रेंट की, रेंट बेसिस पे वैल्यू दोनों सिमिलर से सिमिलर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो 100 से 120 के बीच में मैंने सोची थी वो वैल्यू उसकी सही है। इसको और वेरीफाई करने के लिए एक मेथड और है, वो आता है एक लैंड और कंस्ट्रक्शन का मेथड है। सपोज कीजिए कि मैं जो है सेक्टर 22D की मैं बात कर लेता हूँ, जहाँ पे येडा का जो है कमर्शियल है सेंटर हब है वो, तो वहाँ पर क्या करूँगा मैं एक लैंड की जो है टोटल कॉस्ट देख लूँगा कि भाई सपोज कीजिए 100 गज का एक मैं ले लेता हूँ, वहाँ पे उसकी वैल्यू जो है 100 रुपये है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो अब जो है उस पर मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, क्योंकि देखिए मैंने प्लॉट लिया है 100 गज का, अब मैं उस पर कंस्ट्रक्शन करूंगा, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी जो है मैं उसमें ऐड करूंगा। ये थोड़ा सा लंबा मेथड है और इतना अच्छा भी नहीं होता है, तो सेकंड वाला जो है वो ज्यादा बेहतर है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कहीं पे भी, या फर्स्ट वाला, वो दोनों थोड़े से टाइम कंज्यूम नहीं होते हैं। इसमें आपको कैलकुलेशन काफी सारी करनी पड़ेगी, लैंड की आपने वैल्यू निकाली, फिर आप उसमें कितने फ्लोर बनाएंगे, उसका जितना भी स्क्वायर फीट में या स्क्वायर मीटर में जो भी एरिया आता है उसका खर्चा क्या है बनाने का, उन दोनों को जो है आप डिवाइड कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका पर स्क्वायर फीट जो भी आपने यूनिट निकाली है बेसिकली, उसमें जो है आपका बिल्ट अप एरिया आ जाएगा कि मेरा पर यूनिट बिल्ट अप एरिया कितने का पड़ा है, जो टोटल आप बनाने वाले हैं उसमें फ्लोर यानी जितना आप एरिया उसमें बनाने वाले हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका जो है मोटा मोटी वही 118 यानी 100 से 120 के बीच में ही आएगा। तो आपने तीनों फैक्टर से जो है वैल्यू को, एक वैल्यू उसमें से निकाल लेनी है कि भाई मैंने इससे ज्यादा जो है मैं इसमें जो है बिड नहीं करूंगा, और अपने बजट के हिसाब से भी आप उसमें बिड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी तरीके से जो है रेजिडेंशियल की प्रॉपर्टी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। बस उसमें क्या फर्क होता है, वहाँ यहाँ पर हम एक जो अच्छा मेथड है रेंट वाला वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, बल्कि जबकि जो है रेजिडेंशियल में वो अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ में। जो नए व्यूअर आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने लाइक टैब में जाने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको फर्दर इसका रेफरेंस चाहिए। तो चलता हूँ दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद।